So hello everyone, welcome to the class again. Dear student, I was telling you about the fundamental rights and the different features of the Indian constitutions. Now here we will continue with the fundamental rights in great detail. So इसके बारे में कुछ दिया है, इसके बारे में बता देता हूँ, तो पिछले वीडियो में थोड़ा सा ही हो गया तो उसमें हम इसको इंक्लूड करके मैं आपको दे देता हूँ. ओके, तो इसमें देखो बच्चों, ये जो फंडामेंटल राइट्स था, फंडामेंटल राइट्स द राइट्स विच आर गिवेन एंड द राइट्स राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन. देयरफॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड सम फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री. सो वी आर गिवन विद सिक्स फंडामेंटल राइट्स. अर्लियर इट वॉज यूज टू बी सेवन फंडामेंटल राइट्स, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एबोलिश द राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है. मैं जैसे बता रहा था कि ये राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटा दिया गया. ना अर्लियर देयर वॉज नो डेवलपमेंट, देयर वॉज प्रॉब्लम इन एग्जीक्यूटिंग द डेवलपमेंटल वर्क फॉर द कंट्री. जैसे कि रेलवे लाइन बनाना होता था या रोड बनाना होता था या किसी भी चीज़ों में अगर ज़मीन का चाहिए था, लोग ये राइट टू प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा लेते थे और वो कुछ भी डेवलपमेंटल काम नहीं हो पाता था. इसलिए गवर्नमेंट उसको एबोलिश करा दिया और उसको एक लीगल राइट बना दिया, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ. तो हम एक अभी देखेंगे कि व्हाट आर द सिक्स फंडामेंटल राइट्स गिवन हियर. सो तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स इज राइट टू इक्वालिटी. एंड ये राइट टू इक्वालिटी में हमें क्या बताया जाता है, ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉज. ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉज ई रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डाइवर्सिटी, ई रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड. ना ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, भारत के सारे लोग आइन के हिसाब से सारे लोग सेम है और इसको कोई भी एक को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए. नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अनदर पर्सन ई रेस्पेक्टिव ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर डाइवर्सिटी, कास्ट, क्रीड एंड कॉलर, रिलीजन के हिसाब से कोई किसी को ये नहीं कर पाए. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना. तो ये बताया गया है ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ और दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स. ना किसी भी बैकग्राउंड से उसको कोई ना अलग नहीं कर पाएगा या उनको अनइक्वल नहीं मानेगा. एवरी पर्सन हैज द एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एटसेट्रा. द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस. ओके, बट कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग ये कर पाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी लोगों को जब के अधिकार से उनको ये नहीं कर पाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा. द गवर्नमेंट मस्ट हैव टू गिव द वार. द सेकेंड फंडामेंटल राइट्स इज राइट टू फ्रीडम. दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस. ये सारे अधिकार रहता है. राइट टू फ्रीडम का मतलब द गवर्नमेंट हैज गिवन अस गिवन द गवर्नमेंट यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन सर्टन राइट्स दैट अबाउट द राइट टू फ्रीडम. वी कैन मूव फ्रॉम द इंडियन लैंड फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. वी कैन रिसाइड एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. वी कैन टेक ऑफ एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन एंड बिजनेस. ये सारे हम लोग का राइट टू फ्रीडम में दिया गया है. देखो बच्चों, दी आर्टिकल्स 32 द सॉरी फ्रॉम द आर्टिकल 12 टू 35 देयर हैज बीन मेंशन ऑफ पार्ट थ्री फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 देयर हैज बीन मेंशनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सा पार्ट थ्री और 12 टू 35 आर्टिकल्स के अंदर ये राइट्स के बारे में बताया गया है. आपको क्लास 9 में बताएंगे वो सारे चीज़ें, अभी ये सिर्फ जनरल आइडिया है, मैं सिर्फ फिर बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत याद रह जाएगा. ओके, तो ये है आपके लिखा गया है और इसमें सारे जैसे कि आपका 42-18 में आपके ना राइट टू इक्वालिटी है, बहुत तरह तरह के राइट्स है. उसके बाद 19 to 22 क्या है ना, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है. उसके बाद 23 एंड 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. कहाँ कब से कब ना 23 एंड 24 में कौन सा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इसमें क्या नहीं हो सकता, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट सीमेंट ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द चिल्ड्रेन
अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। इसमें नहीं ना कोई भी व्यक्ति ना ह्यूमन को लेके बिजनेस नहीं कर पाएगा, या बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को किसी हार्ड वर्क हैजर्डस वर्क में माइनिंग वर्क हो ऐसे ऐसे कामों में वो मुश्किल कामों में नहीं लगा सकता, और चिल्ड्रेन और वीमेन को लेके बिजनेस नहीं हो सकता। ये सारे चीज़ों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कितने कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 25 to 28 में है, मैं बता देता हूँ फिर, ये बता तो दिया। तो कितने में, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स एंड थ्रू दिस राइट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो अपने चॉइस से किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, मान सकते हैं और उसको प्रोपागेट भी कर सकते हैं। देन एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट इन द आर्टिकल 29 and 30, आर्टिकल 29 and 30 में एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है। एंड थ्रू दिस लॉज ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर ओन कल्चर्स एंड टू डेवलप देयर ओन कल्चर। उनके कल्चर को डेवलप करने के लिए हो या सुरक्षित करने के लिए हो वो क्या कर सकते हैं ना, उनके खुद के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उनके रिलीजियस ये बना सकते हैं जिसको कि गवर्नमेंट उनको मदद देगा। देन लास्टली ओके एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ना ये क्या होता है, दिस इज द राइट विच प्रोटेक्ट ऑल अदर राइट्स। ए पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट if his or her rights is being violated by the government and any other person। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसका लॉ वायोलेट होता है तो वो क्या करता है ना, इसके माध्यम से ही कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के माध्यम से वो हाई कोर्ट जा सकता है और ये 32 आर्टिकल के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दिस इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मेडिसिन। ओके दिस इज द थिंग वेयर ही कैन यूज और वेयर ही और सी कैन यूज फॉर दी प्रोटेक्शंस, ना खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये राइट्स का ना फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दी फंडामेंटल राइट्स, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। एंड फाइनली द सेकुलरिज्म, दी फिफ्थ फीचर्स इज अबाउट दी सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में बताया गया है ए सेकुलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। Now, इसमें क्या होता है, the Indian constitution has given no status to any particular religion as official religion। Now, किसी भी religion को official religion नहीं बताया गया है या official status नहीं दिया गया है, ये secularism में बताया गया है। All the religions are equal before the eyes of the government, before the eyes of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या गवर्नमेंट के हिसाब से सारे रिलीजन सेम है ये माना जाता था। सो विद यू सी कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड हाउ इट केम ऑफ इन थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ हिस्ट्री। एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी कुड अंडरस्टूड दैट हाउ the constitution of India was prepared, how it was influenced the how the history of the land influenced the nature of the constitution as well। ना जैसे कि हम लोग का इतिहास भी हम लोग का लगभग ना हिस्ट्री को बहुत सारे वे से प्रभाव इतिहास भी बहुत सारे वे से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित किया है। अगर ब्रिटिशर्स लोग नहीं आते तो हम लोग का ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ना हो पाता, शायद हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाते या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाते, या रिलीजियस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो हम लोग का सेकुलरिज्म कंसेप्ट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें हम देखते हैं कि भारत के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बात को बनाया गया है। एंड वी कैन फाइंड द deliberate or conscious effort of all the freedom fighters and the members of the Constituent Assembly who had a very, very far-sighted vision for preparing a finest constitution for the country। वो उनसे हमें पता चलता है इतना वो लोग ये थे, इन देयर अप्रोच दे वर वेरी मच सेकुलर इन देयर अप्रोच, दे वर वेरी वेरी जुडिशियल अबाउट ऑल द इश्यूज, दे वर वेरी मच कैपेबल
enough to face up the different challenges of the problem, and they judiciously defeated all that problem and they sort out all the problem in the Constitution of India. सारे problem का sort out वो Constitution of India में कैसे बनाए थे. तो आगे हम लोग जो chapters आएगा secularism के बारे में in great detail पढ़ेंगे. आज हम Constitution complete कर दिए और इसके बारे में आगे हम आगे classes में भी पढ़ते जाएंगे, life में भी Constitution के बारे में पढ़ेंगे. This was just a brief idea about the Constitution exactly what it is about. ना ये Constitution क्या है इसके बारे में हमें जानने का एक आइडिया है कि हम लोग का अधिकार है, हम लोग की डिफरेंट सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरलिज्म कंसेप्ट है, ये सब हमें बेसिक चीज़ अभी से ही जानना चाहिए तो हम आगे जाके बहुत कुछ भी अच्छे से पढ़ सकते हैं. दिस आइडिया मस्ट बी देयर इन योर माइंड दैट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर व्हाट एंड व्हिच सर्कमस्टेंसेस दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू बीइंग. सो थैंक यू. एंड बच्चों सारे लोग आप क्वेश्चन पूछिए, जो भी डाउट होगा मेरे को बार बार पूछिए. आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू ऑल दी थिंग्स इन ग्रेट डिटेल. एंड आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाते जाऊँगा. ओके, सो आई होप देर विल बी नो डाउट आफ्टर रीडिंग एंड गोइंग थ्रू दिस वीडियोज़ प्रॉपरली. सो थैंक्स अ लॉट, सी यू, टाटा.